एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिजवाना अजवल और मैं हूं रिजवाना सुमरा। आप सब लोगों को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और जो लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं उनके लिए आज मैं लेकर आई हूं स्पेशल आलू की सब्जी की रेसिपी बिना प्याज और बिना लहसुन की। ये सब्जी की रेसिपी मैं हमेशा ही घर में बनाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं पूरी के साथ ये सब्जी बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बिना प्याज और बिना लहसुन के ही बनाती हूँ। और ये सब्जी एकदम ही टेस्टी और मसालेदार बनती है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं आलू की सब्जी की रेसिपी। व्रत वाले आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, कच्चे टमाटर की प्यूरी, और मसाले में हमें चाहिए ब्लैक मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, जीरा, और मसाले में यहाँ पर है रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर है, नमक, और यहाँ पर चाहिए अदरक और हरा धनिया और हींग। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसमें करीब 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। अगर ऑयल की जगह आप घी का यूज करना चाहते हो तो घी भी यूज कर सकते हो, घी में भी ये सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स को हम क्रेकल होने देंगे। इसमें हम डालेंगे 2 पिंच जितना हींग पाउडर, और अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, और इसको हम अच्छे से क्रेकल होने देंगे। और तब तक जो हमने सारे मसाले लिए हैं, ये मसाले में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से हम डाइल्यूट कर लेंगे। आप फोक या चम्मच ले ले और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। यहाँ पर हमारा जीरा और राई अच्छे से क्रेकल हो गया है। इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड किया हुआ जिंजर। यहाँ पर मैंने करीब 1.5 से 2 इंच जितना जिंजर लिया था, जिसको मैंने ग्रेट करके लिया है। अगर आप इसको पीस के लेना चाहें तो टमाटर के साथ आप पीस के ले लीजिए। और इसको अब हम अच्छे से एक बार ऑयल में मिक्स कर देंगे। इसको हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है जब ऑयल में हम डाले पहले, क्योंकि उसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें जो हमने मसाले की पेस्ट बनाई थी वो हम डाल देंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को पानी में डाइल्यूट करके इसलिए डाला क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में टेम्परिंग की जीरा और राई से, तो वो क्रेकल करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, तो इसकी वजह से अगर हम डायरेक्टली चिली पाउडर डाल देंगे तो वो जल सकता है। तो इसकी वजह से आप इस तरह से पानी में डाइल्यूट करके फिर डालेंगे तो आपके मसाले जलेंगे नहीं, सब्जी का कलर भी अच्छे से निखर के आएगा। आप देख सकते हैं इसका अच्छा सा पानी अभी ड्राई हो गया है। अभी इसमें हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ पर मैंने करीब 4 से 5 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने ऐसे ही कच्चाई मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके ले लिया है। मसाले और टमाटर की प्यूरी एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसको ढक्कन लगा के करीब 4 से 5 मिनट तक के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। 4 से 5 मिनट होने के बाद आप देखेंगे कि ग्रेवी ने साइड से ऑयल रिलीज कर दिया है, इसका मतलब कि हमारे टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं। अभी हम ये सब्जी जो है वो थोड़ी रसे वाली बनाने हैं, तो उसके लिए हम इसमें 1/2 कप जितना पानी डाल के इसको एक बार अच्छे से वापस एक बॉईल आने देंगे। ग्रेवी में अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू। आलू को हम नाइफ की मदद से कट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको हाथ की मदद से इसके छोटे छोटे पीसेस तोड़ के ग्रेवी में डालेंगे। इसका रीज़न ये है कि एक तो आलू ग्रेवी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लस इसकी जो कंसिस्टेंसी और इसका लुक होगा वो एकदम गाढ़ा निकल के आएगा। अगर आप नाइफ की मदद से इसके पीस करेंगे तो इसका लुक ऐसा नहीं आएगा जो हमें लास्ट में मिलेगा। और जो हम भंडारे में और शादी में जो आलू की सब्जी खाते हैं तो सेम वैसे ही सब्जी निकल के आपकी आएगी, क्योंकि हलवाई कभी भी उसको नाइफ से कट करके नहीं डालते, वो इसी तरह से हाथ से तोड़ के डालते हैं। हम आलू को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीब इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए बॉईल होने देंगे ताकि ग्रेवी आलू अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। आलू की एकदम डिलीशियस और मसालेदार सब्जी बन के रेडी हो गई है। इसे हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी
और एकदम अच्छा सा रेड कलर आ गया है इसमें। इसे हम हरे धनिए से गार्निश करेंगे। आलू की सब्जी को हम पूरी के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल आटे की पूरी बनाई है, आप जो फराली आटा आता है उसकी, या तो कुट्टू का आटा आता है उसकी पूरी बना के इस आलू की सब्जी को व्रत में एंजॉय कीजिए। ये थी मेरे स्टाइल में आलू की मसालेदार और डिलीशियस सब्जी की रेसिपी। आप भी अपने घर पे बनाना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। और ऐसे ही न्यू न्यू रेसिपी के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।